आप सबका स्वागत है केबीसी के एक नए एपिसोड में। आज हम डिस्कस करेंगे केबीसी के एपिसोड 32 में पूछे गए सारे क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स। तो आज का एपिसोड का इम्पोर्टेंस है, आज 50 लाख तक का क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को पूरा देखें, लास्ट में 50 लाख का क्वेश्चन भी है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, एवं कैसा लगा वीडियो इसके बारे में कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चले शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस एनिमल्स इज फीचर्ड ऑन द लोगोस ऑफ 4 IPL टीम्स। तो इनमें से कौन सी जीव की छवि 4 IPL टीमों के लोगो पर अंकित है? तो जो लायन, बुल, स्नेक, ईगल, इनमें से जो लायन है इसका जो छवि वो 4 IPL टीम के लोगों में है, वो है चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स। आप यहाँ देख सकते हैं ये एक लायन है, यहाँ भी ऊपर एक लायन है, यहाँ दो लायन रोर कर रहे हैं और यहाँ राजस्थान रॉयल्स की दो लायन है। तो इसका आंसर होगा 4 लायन है। अगला क्वेश्चन है, बिभत्सु, धनंजय एंड विजय आर द नेम्स ऑफ विच माइथोलॉजिकल कैरेक्टर। तो बिभत्सु, धनंजय और विजय इनमें से किस पौराणिक चरित्र के नाम है? तो जो धनंजय, बिभत्सु और जो विजय है ये अर्जुन के नाम है। अर्जुन जो है बहुत इन धनवान धन 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 अर्जन करते थे और विजय हासिल करते थे, इसलिए उनको धनंजय विजय भी बोला जाता है और बिभत्सु भी इनको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाय व्हाट पॉपुलर नेम इज मुगल एम्परर मोहम्मद शाह ड्यूरिंग हुज रेन नादिर शाह इन्वेडेड दिल्ली बेटर नोन। तो सुल्तान बादशाह मोहम्मद शाह जो दिल्ली पर नादिर शाह के आक्रमण के समय गद्दी पर थे किस नाम से ज़्यादा मशहूर है? तो जो नादिर शाह जो 1739 में अटैक किए थे तभी मोहम्मद शाह जो थे मुगल एम्परर इनको ये जो इनका जो फेमस नाम है वो है रंगीला, इसको ये ज़्यादा मशहूर रंगीला नाम से है। अगला क्वेश्चन है, स्लाइस, कप, ट्रफल एंड स्पॉन्ज आर टाइप्स ऑफ व्हाट। तो स्लाइस, कप, ट्रफल और स्पॉन्ज किसके प्रकार है? तो ये सब केक के प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज एक्टर्स अपियर्स इन ए डबल रोल इन द फिल्म जुड़वा 2। तो जुड़वा 2 में इनमें से कौन से एक्टर डबल रोल में आते हैं? एक तो आते हैं वरुण धवन और दूसरा जो गेस्ट अपेयरिंग था सलमान खान का, तो सलमान खान भी डबल रोल में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज डी इन HT यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेलीविजन ट्रांसमिशन स्टैंड्स फॉर। तो टेलीविजन ट्रांसमिशन के संदर्भ में इस्तेमाल होने वाले शब्द HD में D का मतलब क्या होता है? तो HD में जो D का मतलब होता है वो होता है डेफिनेशन, जो कि हाई डेफिनेशन होता है, तो D का मतलब डेफिनेशन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द कंट्रीज हैज द शॉर्टेस्ट लैंड बॉर्डर विथ इंडिया। तो इनमें से कौन सी कंट्री का इंडिया के साथ सबसे कम बॉर्डर है लेंथ में? पाकिस्तान, भूटान, चाइना, नेपाल नहीं, जो आंसर होगा भूटान। भूटान के साथ इंडिया का सिर्फ 699 किलोमीटर का जो है, और बांग्लादेश के सबसे ज़्यादा है 4000 से ज़्यादा किलोमीटर का, पाकिस्तान और चाइना के साथ 3000 से ज़्यादा है और नेपाल के साथ 1000 से ज़्यादा किलोमीटर के बॉर्डर है इंडिया के। अगर आपको बॉर्डर्स वाले इंडिया के शेयर स्टेट्स के बारे में चेकना चाहते हैं तो मेरे जो चैनल्स में इसका एक बहुत अच्छा वीडियो है, आप चाहे तो देख सकते हैं। विच इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु डॉज दिस आइडियल रिप्रेजेंट। ये मूर्ति भगवान विष्णु के किस अवतार की है? आप जो ये मूर्ति देख रहे हैं ये भगवान विष्णु के कौन से अवतार की है? ये जो मूर्ति है ये भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की है, और ये जो मूर्ति है ये हम्पी वहीं का मूर्ति है जो नरसिंह मूर्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स फॉल अंडर द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ विच हाईकोर्ट। तो जो अंडमान और निकोबार आइलैंड होता है ये कौन सी हाईकोर्ट के अंदर इनका ज्यूरिस्डिक्शन फॉल करता है? तो इसका आंसर जो होगा ये कलकत्ता हाईकोर्ट के अंडर आता है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द टाइटल ऑफ आचार्य चतुर्सेन्स नवेल ऑन आम्रपली सी इज कॉल्ड नगर वधु ऑफ विच ऑफ दिस प्लेसेस। तो आम्रपली पर लिखी गई आचार्य चतुर्सेन पर के उपन्यास के शीर्षक के मुताबिक आम्रपली कहाँ की नगर वधु थी? तो आम्रपली जो है थी वो जो चित्रसेन के जो नोवेल के हिसाब पर ये वैशाली की नगर वधु थी, तो आंसर होगा वैशाली। अगला देखते हैं, संदीप पक्षी, ये 3,20,000 का सवाल था तो यहीं से अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। संदीप पक्षी हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ विच बैंक। तो संदीप पक्षी को हाल ही में किस बैंक के नए CEO नियुक्त किया गया, क्योंकि चंदा कोचर जो है वो इनकी कार्यकाल से पहले ही रिजिग्नेशन दे दी, इसीलिए ये ICICI बैंक की CEO बने। तो ये जो हुआ संदीप बख्शी, आपको ये याद रखना है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन इंडिया, हु वॉज ऑल्सो द इंस्पिरेशन फॉर द 1989 टीवी सीरीज उड़ान। भारत की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक कौन है जो कि 1989 की टीवी सीरीज उड़ान के लिए प्रेरणा बनी। तो इसका जो आंसर होगा ये भारत की जो है वो दूसरी आईपीएस ऑफिसर है, उनका नाम है कंचन चौधरी भट्टाचार्य। और ये 6,40,000 का सवाल था। पहली आईपीएस ऑफिसर इंडिया के किरण बेदी और दूसरी है कंचन चौधरी भट्टाचार्य। तो इनकी जो ये ही इंस्पायरेशन बनी थी जो टीवी सीरियल 1989 की उड़ान के लिए, ये देख सकते हैं पिक्चर में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस 2018 एशियन गेम्स मेडलिस्ट इज द डॉटर ऑफ ए फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एंड द वाइफ ऑफ ए अनदर क्रिकेटर। तो 2018 एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली कौन सी खिलाड़ी एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर की पुत्री भी एवं एक अन्य क्रिकेट खिलाड़ी की पत्नी भी रह चुकी है। ये जो है ये है दीपिका पालिकल। दीपिका पालिकल की जो पति है वो है दिनेश कार्तिक और इनकी जो माता है ये भी एक वुमेन्स क्रिकेट टीम में खेलती थी, उनका नाम है सुसान इतिचेरिया। तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं पहले दिनेश कार्तिक, उसके बाद उनके मदर एंड दीपिका पालिकल। तो इसका आंसर होगा दीपिका पालिकल। अगला क्वेश्चन है जो 12,50,000 के लिए, फ्रॉम विच 25 लाख के लिए, फ्रॉम विच स्टेट वॉज अरुण जेटली इलेक्टेड टू द राज्यसभा इट्स राज्यसभा इन 2018। तो 2018 में अरुण जेटली किस राज्य से राज्यसभा के लिए चुना गए थे। इसका जो आंसर होगा ये 2018 में फिर से राज्यसभा के लिए चुने गए और ये उत्तर प्रदेश से चुने गए। अगला क्वेश्चन है, विच मोनार्च, जो 50 लाख का क्वेश्चन था, विच मोनार्च वॉज वन ऑफ द इंग्लिश थ्रोन वेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंड बाय द रॉयल चार्टर। तो शाही चार्टर द्वारा गठित इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटिश राज सिंहासन पर किसका राज था। तो जो शाही चार्टर द्वारा गठित इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय जो ब्रिटिश राज सिंहासन पर जिसका राज था वो थी एलिजाबेथ वन, उनकी राज था। तो ये था आज के सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।